आते जाते कौन सा गाना है? आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह के 10:30। कल मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि मैं बना ही नहीं पाया था। वो उसका कारण ये था कि कल थोड़ा सा बिजी हो गया था, एक जगह बिजी क्या फंस गया था। तो मतलब पूरी रात हो गई, रात के बाद मतलब फ्री हुआ हूँ तो फिर मेरा मन नहीं किया कि अब क्या ही बनाऊँ, आधा अधूरा, तो इसलिए चुप बैठ के सो गए अपन। पर आज व्लॉग आएगा और अभी मैं जा रहा हूँ अमित पांडे जी के यहाँ, उनको साथ में लूंगा, थोड़ा सा काम है, वहाँ भी जाना है एक दो जगह, तो चलते हैं। तो पांडे सर आ चुके हैं, कैसा रहा आपकी आज मॉर्निंग? बहुत अच्छी रही मॉर्निंग, मॉर्निंग अच्छी ही होती है, लेकिन हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। अच्छा, और हमारे राहुल भाई बहुत अच्छे हैं। भैया मैं तो बहुत बुरा हूँ। तो अभी पांडे जी का कुछ खाने का मन कर रहा है, पांडे जी क्या खिलाने वाले? तो बहुत कर रहा है लेकिन मिलेगा नहीं कुछ इस टाइम पर, खाना कहीं पड़ेगा। मन का तो क्या नहीं, ढुड़वा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं, आपके लिए करना पड़ेगा। तो अनंत है लेकिन मिलेगा नहीं यार, इच्छा है तो बहुत कुछ कर रही है। कोशिश करते हैं कहीं कुछ खाने की, क्योंकि पांडे जी भूखा रहे तो मजा नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब। दिन में पांडे जी के लिए खाने के लिए कुछ तो मिल नहीं पाया, तो थोड़ा टाइल्स देखने चले गए थे, फिर टाइल्स देख के सीधे घर आके सो गया। सो के तो अब उठाऊं, अब उठने के बाद जिम के लिए निकला। जिम के निकलते ही सौरभ, हाय गाइस, हाय गाइस, देखा, हाय गाइस। कालू और आकाश आने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा काम, तो सौरभ को तो इसके साथ आ गया, मतलब इससे मिलने आ गया था मैं। तो अब फिलहाल अब जिम के नीचे ही बैठे हुए हैं, जिम जाएंगे, ऊपर ही जिम है, जिम ऊपर ही है। ये दोनों आया है, वो तो बहाने मार रहा है आकाश हमेशा की तरह, कह रहा है कि आज भूखा हूँ, खाया नहीं है कुछ भी, खा के आऊंगा 7:15 बजा दिए हैं। सिर दर्द हो रहा था, मम्मी कह रही मम्मी आने नहीं दे रही, पापा जाने नहीं दे रहे, लेट आऊंगा। हाँ, एहसान और जता रहा है कि तुम आपके चक्कर में आ रहा हूँ, कि नहीं तो आता ही नहीं मैं। क्या हो गया आकाश के बारे में? आने दो, फिर उनसे अपन बात करते हैं। मम्मी ने कैसे आने दिया? अभी बात करने का टाइम नहीं, अभी भाई जाएगा सीधे जिम, बुद्धि खराब हो रही है बहुत ज्यादा, बैठे बैठे मन भर गए हैं यार। टाइम उतना ही हो गया, क्या मारेंगे अपन? आज मारूंगा शोल्डर, शोल्डर, शोल्डर या थोड़ी बहुत चेस्ट भी मार लूंगा आज। आन दो पहले। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे भैया, पहले से क्रिमिनल, क्रिमिनल डाकू आ गए। और डोकरा गैंगस्टर, सांस ले, सही बात है। बहुत चूती आदमी नहीं है तू, क्यों क्या होता है? 20 मिनट तो नहीं आता तो 20 मना कर देता ना, नहीं आ रहा था तो 20 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ मैं, पागल हूँ की तरह, तो पागल दिख रहा हूँ तुझे। सात बजे से नहीं, मैंने इसको लगाया था 6:52 पे फोन किया, मैं निकल रहा हूँ खाना खा के। हाँ, पौना एक घंटा कर दिया, 45 मिनट हो गए, 1.25 घंटा हो गया। जब जाने मना कर दे तो तेरे खुद ही आया, तो मना कर दे तुम। अगर मैं इनसे बोल देता वो पहुंच गए, अरे यार मैं नहीं जा रहा, ये हो गया, हम लोग को बहाने दे दे, ये पता था मैं जल्दी तैयार। तो बता बहाने कैसे दे रहा ना, कालू ने माइंड यूज कर लिया ना, ये पता नहीं भाई, भाई बुद्धि, अकेला पहुंच जाएगा। सही बात, चलो यार हम जिम कर आए हैं, ठीक है, मिलते हैं ओके थोड़ी देर बाद, बाय बाय गाइस। तो भाई जिम तो कंप्लीट हो गई है, मैं जा रहा हूँ गोविंदपुरी, कुछ खा लिया जाए। सौरभ और राज आ रहे हैं, आकाश और कालू तो दो पहिया से हैं, तो वो लोग वहीं पहुँचेंगे डायरेक्ट, तो वहाँ मिलेंगे। पांडे जी भी शायद आ रहे हैं, कह रहे हैं मुझे भी भूख लग रही है तो मैं भी ये खाऊंगा, तो वो भी आ जाएगा। आकाश और कालू ने वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं किया, आकाश तो पहले से ही बहाना ले रहा था कि मैंने ये नहीं खाया, मैंने वो नहीं खाया, मैं बीमार हूँ। कालू भी कह रहा मैं भी बीमार हूँ, मुझे भी खांसी हो रही है, खांस तो रहा था वैसे भी। गोविंदपुरी पे तो कुछ मिला नहीं, लेकिन हमें मिल गए वहाँ पे पांडे जी। पांडे जी कह रहे हैं कुछ खाने चल रहे हैं, यहाँ नहीं मिल रहा तो क्या हुआ? गुड मॉर्निंग, बहुत ही बढ़िया दिन था आज हमारा। अरे तो हम पूछ ही नहीं रहे तुमसे, दिन था कि रात थी, हम तो बताएंगे ना, ना तुम्हें कुछ खाने को मिला दिन में? पानी से काम चला रहे, जाम तो बनाते नहीं हम, सिंपल आदमी, पानी से काम चला रहे भाई, पानी से काम चला रहे। उसके बाद हम लोग तो चले गए थे, तो घर पे पांडे जी पढ़ाने चले गए थे और पीछे बैठ गया कि दुखी आत्मा आज दिन भर से मेरे खून पी रही है। पांडे जी कहने पे हम लोग जा रहे हैं बालाजी चाप खाने, बहुत दिन हो गए खाई भी नहीं है, ठंड भी पड़ रही है, गरम गरम चाप खींच दी जाएगी। कालू मजा आ जाएगा चाप में, प्रोटीन का काम। और ये दुखी आत्मा को मुंह से शब्द नहीं निकल रहा यार। कोई नहीं भैया, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम आते जाते कौन सा गाना है? आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, क्या बोल भाई। मैं सब पे नजर रखता हूँ भाई, सब पे रखता हूँ, सही बात है, भाई भी रखता है। कोई नहीं, पहले चाप खाई है, यहाँ तो पेट में हाथी कूद रहे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। चूहे कूद रहे हैं, क्या कूद रहे हैं? चूहे, तो चूहे लाख पेट है ना आपके पेट में,
इनके पेट में तो है भाई, हमारे डायनासोर है भाई, इनके पेट में तो नेवले घूम रहे हैं। सौरभ और राज मॉल भग गए, कह रहे भैया ये बाउंसर लेट करा रहा है, तो मैंने कहा यहाँ पर चावल नहीं मिल रहे, तुम मॉल में बढ़िया शॉपिंग करो, मिलते हैं कल। पांडे जी कहाँ पहुँच गए अपन? बालाजी चाप वाले जी तो यहीं बैठेगा, क्यों तू नहीं आएगा ना? खावे का तो मरे वो मत जाओ, लेकिन खाओ नहीं चुड़े वो। तो भाई लोग चाप खा लिए। पांडे जी चाप कैसी लगी आपको? बहुत शानदार थी, बहुत मजा आ गया। क्वांटिटी कम कर दी भैया, क्वांटिटी तो कम सब कर ही रहे हैं, क्यों क्वांटिटी तो ऐसे कम कर रहे हैं जैसे कि रेट सातवें आसमान पे है, कोई 70 की कॉफी 80 पहुंच गई है, क्वांटिटी कम कर दी है, डिब्बे भाई बदल दिए, स्वाद वही है लेकिन लोग अलग हो चुके हैं। भाई की चाप का टेस्ट अच्छा है, बस क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी है क्योंकि अब ज्यादा चलने लगी तो इतना तो बनता है भाई। तो काफी रात हो गई है, अब हमको घर चलना चाहिए। क्या पांडे जी क्या क्या हो गया उस बारे में? घर जाएंगे, सोएंगे, सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। जल्दी क्या, वैसे तो मैं लेट उठता हूँ, ये सब बातें हैं कि जल्दी उठना है, लेकिन कालू को तो टाइम लगता है। क्यों कालू भाई? 10 बजे उठता हूँ बस। हाँ यही तो काम रहते, बहुत काम है, बहुत उन पे बहुत कष्ट है बेचारों पे। कृपया आप भी अपनी तरफ से इनको सिंपति दें। चलो पांडे जी हम चलते हैं, आपको छोड़ते हैं यहाँ पे घर पे। गुड नाइट सर, गुड नाइट। चलिए मिठाई तो लीने को डरका लाते हो तो आए बैठ जा बाबा, ठंडी का घुसे रहा हूँ यार, इतना कह रहा था मैं, ठंड बहुत है। ये हमारे धनंजय उपाध्याय जी, राम राम भैया की, राम राम है ना भैया को, राम राम है। ठंड कितनी के बाहर बता पर? भैया बहुत है ना, पेपर दे के आया हूँ MBA का। अच्छा जी, वाह वाह, दिया उनने मेरा। अच्छा क्यों? अरे ऑनलाइन पेपर है, अब क्या है देखो, हाथों से लिखने में तो अपन कुछ भी हाल कथा लेके आते थे, अब ऑनलाइन में तो टाइपिंग करनी पड़ती है ना। ओह वेरी बैड, और सुनाइए। 12 डिग्री हो रहा है भैया ने बता दिया पीछे से, आगे तू फोन में देख ले। रजाई में तो पक लो, रजाई में तो सब दुबके हैं बेटा, अपन ये से पर रहे हैं बाहर पागल कुत्ते की। 15 मिनट हो गए वहां से देख रहा हूं, लाइटें आ रही हैं जहां पे आते थे। अरे वो गई है, खड़ी थी यार, वहां हट नहीं रही थी। तो वैसे भी मैं इंदौर से आया था आपके साथ, तो मुझे पता है कि आप कैसे चलाते हो। तो भाई सेफ्टी भैया बहुत जरूरी है, मैं सबको बताता हूँ सेफ्टी। नहीं तो देख मेरे ब्लॉग में देखता होगा तू, कितनी भी डरे होंगे, एक बॉर्डर हो, एक बॉर्डर हो, एक्सीडेंट हाईवे का ही था ना। वालिया पुलिस को रखवा देते हैं, एक चिट्ठी लिख देते हैं, समझते हैं ना मोहल्ले वासी। अच्छा मिलके अंगूठा, जो दादा मम्मा पढ़े लिखे नहीं है उनके तो अंगूठा लगवा लेंगे अपन। काय के लिए लगवा रहे हो भैया? और ट्रैफिक पुलिस को भेज देंगे, भैया हमारा इंस्पेक्शन करते हुए, रात का इंस्पेक्शन, सब जगह पीके ठोकी है या इसकी गलती थी, किसकी गलती थी भैया। मैं ज्यादातर आपके पास जानकारी पहुंचा रहा हूँ, और क्या लोगे? डीजल चोरी की तो मैं जानकारी दिलवा रहा हूँ, गाड़ी पलट रही है तो बता रहा हूँ, और क्या लोगे? मैं कल हाईवे पे गया था, रात में खाना खाने ढाबे पे, तो मैंने गाड़ी रुई रोकी आपके ब्लॉग देख के। अच्छा, डीजल चोरी हो जाता है, कट्टा लगा के किसी की बैटरी चुरा ले जाती है, ये बहुत चल रहा था। मजाक लग रहा है क्या? अरे मजाक नहीं लग रहा, सही बता रहा हूँ, मैं कल गया था। नहीं डेली, तभी तो अभी फोन आया ना, किसी सुसु करने अभी वो छोड़ तू फोन पता, इसीलिए आया था। वो कह रहे मैंने कहा था पेट्रोल पर गाड़ी खड़ी करवा दो, रात में साफ कर जाएंगे हाल। नहीं रात में ताला ले जाओ ना, बड़े ताला लगता है ना वैसे, ताला तो लगता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि जो मीटर का वो लगा रहता है, सेंसर लगा होता है, उसको खोलते हैं, उसको खोल देते हैं सीधा नटों से, जैसे भी जो भी मशीन है उनपे घर घर करके 5 मिनट का तो खेल है यार उनका। 5 मिनट होगी उनके पास, मशीन रखी ना पंप मोटर लगी है, मतलब 2-4 मिनट के अंदर खेल कर लेते हैं। नया धंधा अच्छा बताया आपने, कालुआ में शुरू कर देते हैं, वो कैंपर तो ही आपके पास। नहीं भैया चलो यार, टाइम बहुत हो गया, 11 बजने को आ गए, अलविदा कहते हैं आपको, मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। ओके भैया, गुड नाइट। गुड नाइट टाटा, आपका ब्लॉग ठीक है, ओके थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ।